हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉन्ग पंजाबीज। मैं हूं शर्मिला और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। होम डेकोर और होम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वीडियोस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऐसे वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ एंड यू विल फाइंड इट यूजफुल। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो रिलेटेड है किचन के कुकवेयर एंड सर्ववेयर से रिलेटेड। स्टोरेज के लिए भी मैंने ऑप्शन इसमें एक्सप्लोर किया है क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था वो भी दिखाने के लिए। और साथ ही साथ आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे दो बहुत ही यमी रेसिपीज, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपको ये रेसिपीज कहीं और नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहला जो मैं आइटम दिखा रही हूँ वो है ये अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर। एक कॉम्पैक्ट और फास्ट एंड इफेक्टिव ब्लेंडर, चॉपर और ग्राइंडर हम सबकी जरूरत रहती है। और मैं भी कुछ दिनों से अपने पुराने ब्लेंडर से इतनी खुश नहीं थी, इट वॉज नॉट ब्लेंडिंग प्रॉपरली, तो आई वॉज सर्चिंग फॉर अ न्यू ब्लेंडर। तो मुझे दिखा ये अगारो का ब्लेंडर जो कि 1000 वॉट में है। इसके साथ आपको दो जार्स मिल जाते हैं 1000 ml और 500 ml का। ये जार्स बने हैं BPA फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक से। इसमें दो स्पीड मोड आपको मिल जाते हैं। 1000 वॉट का इसका जो मोटर है वो किसी भी क्रशिंग और ब्लेंडिंग एक्टिविटी को बहुत इफेक्टिव बना देता है। इसके नीचे आपको सक्शन कप्स मिल जाते हैं तो इट गेट्स स्टक क्वाइट स्नगली और हिलता नहीं है ये अपनी जगह से, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव फीचर टू हैव वाइल यू आर ब्लेंडिंग। इसके साथ आपको दो रीसेलेबल लिड्स मिल जाते हैं और एक फ्लिप टॉप लिड भी मिल जाता है, विच कम्स इन वेरी हैंडी आफ्टर यू आर डन विद ब्लेंडिंग एंड वॉन्ट टू स्टोर इन द सेम जार। इसमें आपको दो तरह के ब्लेड्स मिल जाते हैं, 6 winged स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फॉर ब्लेंडिंग एंड 2 flat स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फॉर ग्राइंडिंग। तो आप किसी भी तरह की ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग एक्टिविटी इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको एक पल्स मोड मिल जाता है विच विल वर्क फॉर 3 seconds एट अ टाइम, और अगर आप फिर से प्रेस करेंगे तो अनदर 3 seconds ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये काफ़ी हैंडी होता है अगर आपको चॉपिंग या छोटे डाइसिंग करनी हो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, तो इट कम्स इन वेरी हैंडी। इसमें आपको दो स्पीड मोड मिल जाएगा, लो स्पीड एंड हाई स्पीड। मुझे ओवरऑल जो जार्स वगैरह और जो मशीन का स्टर्डीनेस है वो काफ़ी अच्छा लगा है, वेरी स्टर्डी। और मुझे इसका एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा है, इसमें जो जार्स हैं वो जब तक आपके मशीन में लॉक नहीं हो जाते तब तक मशीन एक्टिवेट नहीं होता है, ऑन नहीं होता है, विच इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज कई बार जल्दी में हम लॉक करना भूल जाते हैं एंड देन इट डिस्ट्रॉयज़ द ब्लेड्स और जो उसका लॉकिंग मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी हैंडी अगेन कि जब तक लॉक नहीं होगा आपका मशीन ही स्टार्ट नहीं होगा। तो वेरी यूजफुल ब्लेंडर एंड ग्राइंडर फ्रॉम अगारो, अगर आप इस तरीके का देख रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। ये आपको मिलता है 4000 rupees में, तो प्राइस इज़ ऑल्सो प्रिटी रीजनेबल। इसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है और 1 year का वारंटी भी इसके साथ आपको मिलता है। तो चलिए इसमें कुछ बना के देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें कोल्ड कॉफ़ी बनाने का ट्राई किया और काफ़ी अच्छा बना था, तो मैंने सबसे पहले मिल्क ले लिया। फुल फैट मिल्क आप लें तो ज़्यादा अच्छा बनता है। इसमें मैंने थोड़ा चॉकलेट आइसक्रीम ऐड किया है, वो ऑप्शनल है बट अगर आप ऐड करते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो चॉकलेट आइसक्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन एक छोटा चम्मच या फिर आधा चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर, इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल दीजिए। और फिर मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ शुगर, मेरे पास वो हैंडी रहता है बिकॉज इस तरीके के अगर आपको मिल्क शेक्स बनाने हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप पिसा हुआ शुगर यूज़ करते हैं। बस ये सब डाल के इसको जल्दी से ब्लेंड कर लेना है हमने। और अगर आप ऐसे हैं जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें शुगर की जगह जो जैगरी पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमारी यमी यमी कोल्ड कॉफ़ी कितनी जल्दी रेडी हो गई है। ये मेथड से आप भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और घर में ही आपको कैफ़े वाला कोल्ड कॉफ़ी का स्वाद मिल जाता है। ऊपर से भी थोड़ा आइसक्रीम आप और डाल दीजिए, अगर आप ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं हैं तो इट विल डेफिनेटली ऐड टेस्ट। और अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा आइसक्रीम हो रहा है तो आप इसको स्किप करिए, बट ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी ऑफ कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगी। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी मुझे बहुत यूज़फुल लगा है, स्पेशली फॉर सर्विंग। ये है बोरोसिल का इंसुलेटेड करी सर्वर बाउल, 1.5 लीटर का मैंने ये लिया है, स्टेनलेस स्टील का है विथ ग्लास लिड। इसमें आपको और भी काफ़ी सारी कैपेसिटी के मिल जाएंगे, 2.7 लीटर, 500 ml और 900 ml में भी, प्राइस उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। 1.5 लीटर का प्राइस करंटली अराउंड 700 चल रहा है, तो आप अगर इस तरीके का इंसुलेटेड करी सर्वर ढूंढ रहे हैं तो
आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करिएगा। इस स्टेनलेस स्टील सर्विंग पॉट में आपको डबल वॉल इंसुलेशन मिल जाता है, जो कि खाने को गर्म और फ्रेश ज्यादा देर तक रखता है। खाना बनाने के साथ ही अगर आप इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो ये ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो प्रोडक्ट है वो मैंने मैचिंग लिया है। एक्चुअली अगर आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी थी मीशो हॉल, तो उसमें मैंने मीशो से एक बोल सेट मंगवाया था, सेरेमिक बोल्स का सेट, सेट ऑफ फोर में आया था, जो कि इजिप्शियन या वर्ली पेंट के जैसे उसमें मोटिव्स बने हुए थे, हैंड पेंटेड था। उसी के मैचिंग मुझे अमेजोन पे ये दिखा है, एक्सक्लूसिव लेन का विस्पर्स ऑफ वर्ली करके स्नैक बोल्स हैं, सेट ऑफ टू में 400 ml के ये स्नैक बोल्स हैं, जो कि है माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ। ये काफ़ी मैच कर रहा है मीशो के इस बोल सेट के साथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ऑप्शन एडिशन टू माय किचन। प्राइस की बात करें तो ये सेट ऑफ टू आपको पड़ेगा 771 का, बट ये बोल्स थोड़े बड़े साइज के हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मीशो से भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये कम प्राइस पे सेट ऑफ फोर मिल जाएगा। तो अगेन अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन। मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था टू शो सम काइंड ऑफ स्टोरेज ऑप्शन फॉर राइस या फ्लोर, तो उसके लिए मैंने ये एक अमेजोन से मंगवाया है, विजारो का 5 kg किचन फूड स्टोरेज कंटेनर विथ मेजरिंग कप। देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और प्लास्टिक का ये बना हुआ है और इसके साथ आपको एक डिस्पेंसर कप भी मिल जाता है, बट आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द ओवरऑल क्वालिटी। आप देख सकते हैं जो कप मिला है वो भी मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था। प्लास्टिक का क्वालिटी भी मुझे थोड़ा फ्लिमजी लग रहा है, इट्स नॉट वेरी स्टर्डी। ऑल्दो यूजफुल है मैं कहूँगी, इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है दैट इज़ प्रिटी गुड, और इसमें आपको सामने इस तरीके का मिल जाता है ट्रांसपेरेंट सी थ्रू थिंग जिससे आप देख सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं लगा है। प्राइस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, 5 kg के स्टोरेज कंटेनर के लिए 1250 और 10 kg के लिए अराउंड 1550 आपको देने पड़ेंगे। मैं चेक करना चाहती थी कि इसमें पूरा 5 kg आता है कि नहीं, तो इसमें पूरा 5 kg आ जाता है आराम से, तो स्टोरेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाउएवर क्वालिटी वाइज मुझे ये एक्सपेंसिव ज़्यादा लग रहा है। अगर यही प्रोडक्ट 500-600 का आता फिर भी थोड़ा जस्टिफाइड था, बट 1250 की क्वालिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा फ्लिमजी लगा है। हाउएवर अगर आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ चेक करना चाहते हैं तो इट इज़ अ यूजफुल ऑप्शन, बट नॉट वेरी स्टर्डी। मैं तो इसको रिटर्न करने वाली हूँ एंड आई विल कीप सर्चिंग फॉर सम अदर ऑप्शन फॉर स्टोरिंग माई राइस और ग्रीन्स। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है ये भी मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी और आई वॉज इन अ डिलेमा कि लूँ कि ना लूँ, क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इन तरह की चीज़ों का। ये है ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन 26 cm का, मैंने ये मंगवाया है, केंट कंपनी का है ये, तो कंपनी इज़ ऑल्सो क्वाइट ट्रस्टेड। इसकी अच्छी बात यह है कि ये इंडक्शन स्टोव टॉप भी कंपैटिबल है, तो अलॉन्ग विथ आप गैस स्टोव आप इंडक्शन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। विथ लिड ये मिलता है, ऑल्दो वेबसाइट पे मेंशन है स्टेनलेस स्टील लिड, बट इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ग्लास लिड। मे बी दे हैव चेंज्ड द लिड टाइप बट दे हैव नॉट अपडेटेड द वेबसाइट। तो इसके साथ आपको ये फ्राइंग पैन जो मिलता है 26 cm का या 2.3 L का फ्राइंग पैन मैंने मंगवाया है, ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील का है ये, तो काफ़ी हैवी है, बहुत स्टर्डी है, और इसके साथ आपको 5 साल की वारंटी कार्ड भी मिल जाता है साथ में। तो आई थिंक दैट इज़ इट इन इट सेल्फ सेइंग कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, बहुत स्टर्डी लगा है मुझे। इसका जो हैंडल है वो कूल टच डाईकास्ट से बना हुआ है, तो इट विल नॉट हीट अप, और ये मैंने टेस्ट करके भी देखा है कि इतना ये कोई हीट नहीं होता है इसका जो हैंडल है वो, और बहुत स्टर्डिली अटैच्ड है। जो पैन है वो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा शाइनी है ऑन द आउटसाइड एंड इनसाइड इस तरीके का मैट सा फिनिश आता है, और क्वालिटी इज़ रियली गुड। आपको केंट की एम्बॉसिंग मिल जाती है ऑन द हैंडल एंड ऑन द साइड ऑफ द पैन, वेरी स्टर्डी प्रोडक्ट जो मुझे लगा है, और इसमें मैंने जो कुक किया है वो भी बहुत अच्छे से इवनली कुक हुआ है। आगे आपको रेसिपी भी मिलेगी एक जो मैंने बनाई है, खाना इसमें स्टिक भी नहीं होता है और क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। तो जो ये 26 cm का फ्राई पैन है उसका प्राइस आपको पड़ेगा ₹1850। आई रियली लाइक द प्रोडक्ट एंड आई वुड गिव इट अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अगेन मैं कुछ दिनों से ढूंढ रही थी और मुझे चाहिए था, वो है एक आउटर लिड प्रेशर कुकर। 3.5 लीटर का मैंने ये प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर मंगवाया है। आउटर लिड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फैला हुआ सा है, ब्रॉड है, जो कि मुझे चाहिए था। अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं तो इट विल नॉट बी यूज़फुल टू यू, बट मुझे इसी तरीके का एक ब्रॉड कुकर चाहिए था जिसमें कुकिंग आसानी से हो जाए। तो मुझे ये जो प्रेस्टीज का कुकर दिखा है वो हार्ड एनोडाइज्ड कुकर मैंने लिया है 3.5 लीटर में, और जो इसका प्राइस मुझे पड़ा है वो 2660 का पड़ा है। अगेन ये इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों पर ही कंपैटिबल है, तो यू कैन चेक दैट आउट। आपको इसमें 5 साल की वारंटी मिल जाती है। इसका जो लिड है वो डीप लिड है जो कि स्पिलेज कंट्रोल करता है, और ये मुझे आगे ही पता चलेगा। हैंडल्स इसके बहुत स्टर्डी लगे हैं मुझे, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज़ प्रिटी ईजी। इसके साथ आपको जो विसल है वो सेपरेट मिल जाता है, और इसमें आपको एक सेफ्टी प्लग भी मिल जाता है जो कि लिड के ऊपर ही लगा हुआ है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आगे मैंने इसको कैसे यूज़ किया है वो भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट जो ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है मुझे बहुत सुंदर लग रहा था वेबसाइट पे, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्प्लर्ज किया जाए और मैंने ये मंगवा लिया। ये एक वुडन प्लेटर है विथ सेट ऑफ बोल्स, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो डिज़ाइन मैंने मंगवाया था वो डिज़ाइन एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, बट सिमिलर प्रिटी डिज़ाइंस आर अवेलेबल, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है, इसका यूज़फुलनेस काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप ऐसे कोई हैं जो पार्टीज होस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। देखने में आप देखिए कितना सुंदर। इसके साथ आपको इस तरीके के 3 डिप बोल्स का सेट भी मिल जाता है विच इज़ वेरी यूज़फुल, और ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था। प्राइस की बात करें तो आपको पड़ेगा ₹999 में। मैंगो वुड का ये बना हुआ है, बट आप इसको माइक्रोवेव में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वुडन है तो आपको इस तरीके से इसको टेक केयर करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहे। जो बोल्स है उसमें आप देखिए थोड़ा एक शाइनी सा टच आता है, और प्लैटर में भी एक शाइनी टच आता है, तो वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत आई कैचिंग है, और अगर आप किसी पार्टी में इसको रखेंगे तो इट विल श्योरली स्टील द शो। तो दिस गेट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई एंड, वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, और अगर आप इस तरीके का प्लैटर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये कंसिडर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी, शामी कबाब की रेसिपी, वेज शामी कबाब। इसके इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं, उसको फाइनली डाइस कर लिया है। इसके लिए आपको 1 कप चना दाल को भिगो के रखना है, आप थोड़े से मटर भी ले सकते हैं, और इसके लिए आपको चाहिए थोड़े से अदरक लहसुन और हरी मिर्च। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे एक गरम मसाला। तो इसके लिए हम करेंगे पैन को गरम, और इस गरम मसाले में पड़ेगा जीरा, कोरिएंडर सीड्स, फेनल सीड्स, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाल मिर्च, और इसके साथ इसमें एक पड़ेगा तेज़पत्ता। तो इसको हमें कर लेना है ड्राई रोस्ट, थोड़ी देर के लिए इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, और देखिए रोस्ट होना हो जाने पर ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और इसमें से एक नटी अरोमा आएगा। बस इसको हमें ठंडा रख करने के लिए छोड़ देना है, और इस बीच हम कुकर में डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी। ऑप्शनल है, आप घी स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप पूरा घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाला है, इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ। प्याज को हमने थोड़ी देर रोस्ट करना है जब तक ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा नहीं हो जाता है, और उसके बाद हम इसमें जो सब्जियाँ हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बंद गोभी, आलू गोभी, मटर और गाजर। आप इसमें इसके बाद जो भिगोया हुआ चना दाल है उसको डाल दीजिए, और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले हमने डाला है इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसमें हम डालेंगे फिर धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है सूखा गरम मसाला, तो जो हमने गरम मसाला ऑलरेडी प्रिपेयर किया है वो हम इसमें एंड में डालेंगे, और ये जो सूखा गरम मसाला है ये भी हमने अराउंड 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। बस इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट इसको फ्राई करिए, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बहुत थोड़ा सा पानी, अराउंड 1/2 कप या फिर उससे भी थोड़ा कम पानी हम इसमें डाल रहे हैं, और पानी डाल के इसको हमें प्रेशर कुक कर लेना है। इसको हमें हाई फ्लेम पे प्रेशर कुक करना है फॉर 3 विसल्स।
तो अच्छे से जो भी हमारा वेजिटेबल और दाल है वो गल जाएगा। इसके साथ ही चलिए जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे खड़े गरम मसाले उसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए जल्दी से इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक पाउडर बना लेते हैं। ये गरम मसाला पाउडर हम डालेंगे अपने कबाब में तो उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अगर आप इस तरीके से गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालेंगे। तो हमारा गरम मसाला पाउडर रेडी है और इसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करने वाले हैं। तो इसके ब्लेड्स रिमूव करके मैं इसके ऊपर लिड लगा के रख दूंगी साइड में कि थोड़ी देर बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस बीच जो हमारा वेजिटेबल्स हैं वो पक चुके हैं और स्टीम निकल चुका है तो अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से गल गए हैं वेजिटेबल्स और दाल और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सुखाएंगे और बिकॉज़ थोड़ा पानी रह गया है तो आप इसको अच्छे से सुखा लीजिए। हम इसमें डालेंगे जो हमने गरम मसाला पाउडर बनाया था उसका अराउंड एक बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें आप थोड़ा फ्रेश हरा धनिया भी डाल दीजिए और देखिए हमारा जो पानी है वो ऑलमोस्ट सूख गया है और पानी सूखने के साथ हम इसको मैश करना स्टार्ट कर देंगे एक मैशर से। मैश करना ज़रूरी है क्योंकि हमें कबाब बनाने हैं जो कि सिल्की स्मूथ होने हैं तो इसके लिए इसको अच्छे से मैश करते रहिए और मैश करते हुए आप देखेंगे क्योंकि ये अच्छे से गल चुके हैं तो बहुत अच्छे से सारा कुछ मैश बनके एक फाइन पेस्ट बन जाएगा और हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। बस अब एक मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर हम इसमें थोड़ी और चीज़ें मिक्स करेंगे एंड देन वी विल गिव शेप टू आवर कबाब्स। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है और ये है मेरी मदर और यही बनाती हैं जो कि टेस्टी टेस्टी रेसिपीज होते हैं वो। और इसमें हमने डाला है 6 चम्मच भुना हुआ बेसन और फिर से हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया इसमें डाल रहे हैं। और अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा रनी हो रहा है और तो आप इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं, उससे बाइंडिंग भी अच्छी आ जाएगी। तो वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस ये सब मिक्स करने के बाद हमें इसको कबाब के शेप में बना लेना है। बस देखिए हमारे कबाब्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इसको अब हम फ्राई पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसी फ्राई पैन में मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी तो थोड़ा ऑयल हमें डालना है इसको शैलो फ्राई करने के लिए। और ऑयल गर्म होने के बाद जो ये कबाब है हमें वो एक एक करके इसमें डाल देना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एक कबाब को डाल के थोड़ा देख लीजिए कि अगर वो टूटने लगे तो आप उसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स वगैरह और मिला दीजिए। इस तरीके से आपका जो ऑयल है वो ख़राब नहीं होगा और कबाब भी अच्छे बनेंगे। बस इसको शैलो फ्राई अच्छे से कर लीजिए। दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन हो जाने के बाद आप इसको रिमूव करिए फायर से और इन्जॉय कीजिए किसी अच्छे डिप के साथ और बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई डू होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। रेसिपी कैसी लगे वो ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आज का वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये आपके लिए टोटली फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।